हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरप्रीत द स्पार्कलिंग सोल पे। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने अपने हेयर बैंग्स कैसे कट करने हैं घर पे ही। गाइस, बहुत ही सुपर इजी मेथड है ये। सबसे पहले आपने अपने फ्रंट के हेयर को ए शेप में रखना है, जैसे मैं बता रही हूँ वीडियो में। गाइस, वैसे तो मुझे अपने हेयर ऐसे ही पसंद है, बट मेरा मन किया कि चलो हेयर बैंग्स कट करती हूँ अपने, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ मैं। गाइस, यहाँ पे मैं ज़्यादा डीप कट नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे अपने हेयर ऐसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं हल्के हल्के से हेयर ही काटूँगी अपने आगे से। अगर आप लोग डीप कट चाहते हैं तो आप ए शेप में अपने हेयर ज़्यादा ले सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे मैं बहुत ही कम हेयर ले रही हूँ, बट मुझे ये भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, इसीलिए मैं जो ए शेप में हेयर ले रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा कम ले रही हूँ। मैंने और ज़्यादा कम कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लंबे हेयर ज़्यादा पसंद हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लॉन्ग हेयर ज़्यादा पसंद है या शॉर्ट हेयर। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने हेयर हैं जो वो और ज़्यादा कम कर दिए हैं। अब इनको कट करने के लिए आपको चाहिए एक सीज़र। तो आपने क्या करना है कि जो अपने आगे वाले हेयर हैं उनको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करना है, जैसे मैं बता रही हूँ। फिर आपको जितनी लेंथ चाहिए इसकी, वहाँ से कट कर देना है आपको। जितनी चाहिए उतनी रख लेनी है लेंथ, और उसके बाद बाकी हेयर की कटिंग कर देनी है आपने। मुझे गाइस इतनी ही लेंथ चाहिए थी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे लॉन्ग हेयर ही ज़्यादा पसंद है। तो अब आपने इनकी नीचे से ऐसे कटिंग करनी है, जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पे। ऐसा करने से ना जो आपके हेयर हैं वो नेचुरल से लगते हैं। तो गाइस, अब हमारे हेयर बैंग्स हो गए हैं कट। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरा मेथड कैसा लगा। तो गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।